हाय गाइस मु रचना वेलकम करछु मो चैनल को। तो मु बनेबे आज छेना पोड़ो आमर घरे तेरी हिची छेना। तो केमिति कोन प्रोसेस हिची सब मु निहे बतेबी आउ केमिति छेना पोड़ हला कोन हला सब जणेबी केमिति करबे भी जणे देबी। सो स्टे ट्यून्ड। इंस्टाग्राम छेना नै छी एडा को छेना पोड़ो करिया पई का फर्स्ट हल्का हाथ रे अल्प अल्प एंती चकड़ दबा अधिक नरम कर करदे छेनापोड़ भल हाँ एमती दरदर ही रखा पड़ो। पानी भी टिके टिके ऐड करिबा कहीं ना सुखिला ही गले जूसी जूसी हबनी छेना पानी भी टिके रखे पड़े जमती एमती टिके मॉइस्ट होइके रहइबो। बे छेना चकड़ाटा प्रस्तुत हो गले तो आम 300 ग्राम 350 ग्राम छेना नहींचु से हिसाब रे आम सुजीटा ऐड करवा निज हिसाब रे सुजीटा ऐड करवे मतलब दी मुठा खंडे सुजी नहीं सुजीटा ऐड कर करदे ए सुजीटा को मिक्स कर करदेब छेनापोड़ प्रस्तुत करने का चीनीटा को ब्लेंड कर करदे एमती कले चीनीटा जल्दी ही मिक्स हो आ संगे मु 3-4 गुजराती भी ऐड कर करदे फ्लेवर पाई का स्मेल पाई का एसेंस पाई का गुजराती भी टिके टिके ऐड कर करदे भल लगे भल बासना भी हम चीनीटा ऐड कर करदे ए हल्का हल्का हाथ में मिक्स कर करदेब आ संगे मु गुजराती भी गुंड भी टिके टिके ऐड कर करदे 3-4 गुजराती भल स्मेल आसीबो टेस्ट भी बढ़िया आसीबो। इतने आम 1 टेबल स्पून घी ऐड करिबा घीटा आम एम साइड रे एम लगे दे हाथ में स्प्रेड करदे साइज करदे दीटा रेडी गैस चूल्हा को ना बसवा प्रेसर कुकर छेना पोड़ बसवा तो फास्ट आम लेयर गोटे देदेब लुण लेयर देदे हिट करवा प्री हिट करवा 5 मिनिट पर आम छेना को ऐड करवा ए रखा अटा रखा स्प्रेड कर करदे हुईसिल को काढ़ी दबा आउ एटा को 5 मिनट प्री हीट कर करदे तापर पट को ऐड कर प्री हीट हो गला 5 मिनट एम पटा को या भितर एम रखिद लो फ्लेम रे एटा को आम 45 मिनट पर्यंत एटा को आम एम रखा ता भितर मझे मझे चेक कर अलमोस्ट छेनापोड़ रेडी हो गला पूरे देखिए छेना लगुच ना नहीं।
सो मु बनेदेली छेनापोड़ वन एंड हाफ आवर अलमोस्ट गैस चूल्हे सीम रे लो फ्लेम रे बनैली तो एमतीटा एमती देखा होमती लुक्स वेरी डिलीशियस एबा मुझे कट करी बहुत जूसी जूसी होती टेस्टी भी देखा होजी। डिलीशियस डिलीशियस छेनापोड़ प्रस्तुत हो गला एबे एटा कट करिबा केमिति कोन हेइछि देखिबा एटा रसिला रसिला हेइछि एंड बहुत जूसी जूसी हेइछि बहुत टेस्टी है जी स्वीटा टी कम अच्छी जहाँ को बेसी स्वीट भल लगे से बेसी स्वीट पकेबो मत बहुत टेस्टी लगे से था।